यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 90 डिग्री हो तो सिद्ध करो cot a माइनस बी बराबर cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a, ये बराबर होना चाहिए। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे cot a माइनस बी cot a माइनस बी, तो cot a का मान रखेंगे cot a की जगह रखेंगे 60 माइनस बी की जगह रखेंगे 30 डिग्री, 60 माइनस 30 गया और 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान साइन होता है 1/√3 यानी एक सॉरी 30 का मान होता है √3, ये आपके पास होता है cot 60 माइनस 30 cot 30 का मान आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा आपके राइट हैंड साइड cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, इसका मान रख दो आप cot a का मान और a की जगह आ जाएगा 60 cot b की जगह आ जाएगा 30 प्लस 1 अपॉन cot b यानी cot 30 आ जाएगा माइनस cot a यानी cot 60 डिग्री, ठीक। तो आप देखो इधर cot 60 का मान आ जाएगा 1/√3 और cot 30 का मान आ जाएगा रूट मान लो इस अंदर cot 60 का मान अपने पास 1/√3 cot 30 का मान अपने पास √3 प्लस 1 अपॉन cos दिख रहा है cot cot 30 का मान अपने पास √3 माइनस cot 60 का मान है 1/√3 √3 से √3 कर दिया, यह आ गया 1 और यह देखो आप 1 यहाँ कुछ नहीं है 1 ले लो आप ऊपर आ गया 1 प्लस 1 हर में लसब आ गया √3 ये √3 ये √3 से बना हो गया माइनस 1 1 और 1 आ गया ऊपर 2 √2 से बना गया घट गया माइनस 1 √3 चला गया ऊपर हर के अंदर जो अंश बटा वो तो हर की हर संख्या के अंश में, तो ये अपने पास आ गया 2√3 ये अपने पास आ गया 3 से गया 2 2 से 2 चल गया कट गया √3 और लेफ्ट हैंड साइड का मान आया मेरे पास और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर है √3 ये सिद्ध हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और अच्छी तरह से ध्यान देना, यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री यदि a बराबर 60 और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो cot a माइनस b cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a, लेफ्ट हैंड साइड है cot a माइनस b cot 60 में से 30 गए cot 30 cot 30 का मान होता √3 cot a cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a, ये अपना मान रखेंगे cot 60 cot 30 प्लस 1 cot 30 माइनस cot 60 cot 60 का मान होता है 1/√3 cot 30 का मान होता है √3 से √3 कट गया 1 प्लस 1 या आ गया 2 और cot 30 का मान √3 cot 60 का मान 1/√3 √3 ये बस √3 से गुणा किया √3 हो गया √3 चला गया और 3 में से 1 गया 2 2 से कट गया √3 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड या बी की जगह 30, ठीक है बहुत अच्छा प्रश्न है ये हो गया। अब प्रश्न में लेंगे अपन 7, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जीरो से a प्लस बी बड़ा है और a प्लस बी से 90 डिग्री बड़ा है, a खुद b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात करो। ये सवाल बोर्ड में आ चुका है, सवाल रिपीट हो सकते हैं तो कोई बात नहीं। देखो आप tan a प्लस बी बराबर √3 तो ये √3 जो होता है tan 60 का मान होता है √3 तो यहाँ tan a प्लस बी
बराबर आ जाएगा 10, 60 डिग्री इक्वेशन आ जाएगा फर्स्ट, टेन ए माइनस बी बराबर है 1/√3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, 1/√3 आता है टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान आता है 1/√3, तो ये आप देखो इधर टेन ए माइनस बी बराबर आ गया 1/, ये तो 1/√3 है, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 10 30 डिग्री, ये लिख दिया अपन ने इक्वेशन एक और इक्वेशन टू, इक्वेशन एक व टू से आप देखो ए प्लस बी बराबर लिख देता हूं मैं 60, ए प्लस बी बराबर आ गया 60 और ए माइनस बी बराबर आ गया अपने पास 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर आ गया अपने पास 30 डिग्री, ये हो गया, ये इसको आप जोड़ दो, इसको इसको जोड़ दो, चाहो तो इक्वेशन 3 और 4, 3 प्लस 4 तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी 60 प्लस 30, बी से बी गया 2a, 60 और 30 हो गया 19, ए का मान आ गया 90/√2, ए का मान आ गया 45 डिग्री, इक्वेशन 3 में ए का मान कितना 45 रखने पर रखो आप ये आ गया 45 प्लस बी बराबर 60, बी 45 का पसंद करो आप 60 माइनस 45, बी का मान आ गया मेरे पास 15 डिग्री, बी का मान आ गया 15 डिग्री, ए का मान मेरे पास आ गया 45 डिग्री, तो देखो ए बी से बड़ा है 45 जो है ये ए का मान है मेरे पास 45, 45 से बड़ा है ए और बी से, निपड़ी भी बड़ा 45 और ये 15 60 है, 60 से 9 डिग्री बड़ा, ये सिद्ध हो गया, पर्सन को चेक करना था, चेक भी कर सकते हो, अच्छा पर्सन है, वापस रिपीट, टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, 0 से ए प्लस बी बड़ा और ए प्लस बी से 9 बड़ा, टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री है, तो सारणी में रूट थ्री किसका मान होता है, टेन 60 का, तो टेन ए प्लस बी बराबर 10 60 हो गया हमारे, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो टेन 30 का मान 1/√3 होता है सारणी में, तो टेन ए माइनस बी बराबर 10 30 आ गया, इक्वेशन एक व दो से, इक्वेशन एक व दो से ए प्लस बी बराबर आ गया 60, ए माइनस बी बराबर आ गया 30, इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ने पर 3 प्लस 4 ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी से बी कट गया, ए और ए आ गया 2a, 60 और 30 टाइम भी 2 का भाग लगा दिया 45, इक्वेशन 3 में ए बराबर 45 रखने पर 45 रखा, 45 का पसंद किया माइनस 45, 60 में से 45 15, बी का मान 15 और ए का मान 45 डिग्री आ गया, ये आपका आंसर आ गया, अच्छा पर्सन है, बहुत बढ़िया पर्सन है, अपन ने पहले प्रश्नों ने ली थी 9 निर्देशांक ज्यामिति, 6 नंबर का सवाल आता है वो ले ली, अब लेना प्रश्न वाली 6, प्रश्न वाली 6 7 और 8 11 नंबर की है, और प्रश्न वाली 6 में त्रिकोणमिति सारणी के ऊपर निर्भर एक सवाल आता है या आपके कोई अनुपात पूछ सकता है, तो देखो आप साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 इसका मान ज्ञात करो, तो आपके ये हल ये प्रश्न आ गया है, ये साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60, आपको इन सबके चारों के मान आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मान आना चाहिए, ये आपके साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान सारणी में होता है, सारणी देखना √3/2 और कोस 30 का मान और साइन 60 का मान सेम होता है, साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2, ये मान इसमें रख दो आप, साइन 60 का मान √3/2, कोस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान
एक बटा दो अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया, अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया, अंडर रूट हट गया तो अंडर रूट को अंडर रूट तीन से गुणा किया, ये आ गया तीन। हर में है दो इंटू दो, दो इंटू दो हर में आ गया चार, प्लस एक को एक से गुणा किया एक, हर में दो को दो से गुणा किया चार, प्लस सब सेम है चार, किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है। ये आपके तीन प्लस एक, तीन और एक हो गया चार, चार ने चार का भाग दिया, ये आया आपके पास एक। साइन साठ कोस तीस प्लस साइन तीस कोस साठ हमारे कितना आ गया आपके पास एक। प्रश्न नंबर सेकंड, फोर साइन तीस डिग्री साइन स्क्वायर साठ प्लस थ्री कोस साठ टेन पैतालीस बराबर टू साइन स्क्वायर साठ माइनस कोसाइन स्क्वायर नाइनटी, यानी दो साइड है, ये मान और ये मान बराबर आना चाहिए आपके पास, तो इसको दे देता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको दे देता हूं मैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आना चाहिए, तो आपको ये पहले ले रहे अपन लेफ्ट हैंड साइड, फोर साइन तीस साइन स्क्वायर साठ प्लस थ्री कोस साठ और टेन पैतालीस। पहले अपन साइन तीस का मान सारणी में, साइन तीस का मान होता है एक बटा दो, साइन साठ का मान रूट तीन बटा दो, कोस साठ का मान एक बटा दो, टेन पैतालीस का मान एक, टेन पैतालीस का मान एक होता है। ये मान देखो कोस साठ का मान के मान कर दो आप, और साइन तीस का मान, साइन तीस का मान अपने पास है एक बटा दो, साइन स्क्वायर साठ यानी साइन साठ का मान है अपने पास रूट तीन बटा दो, इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस थ्री कोस साठ, कोस साठ का मान मेरे पास है एक बटा दो, टेन पैतालीस इसका मान मेरे पास है एक, ये रहा, ये दो का पहाड़ा इसे चार में गया दो बार किया गया दो, अंडर रूट का वर्ग किया अंडर रूट घट गया, हर में दो का वर्ग किया चार आ गया अपने पास, प्लस तीन को एक से गुणा किया तीन बटा दो, ये तीन दो का चार में भाग गया दो अपने पास क्या आ गया तीन बटा दो प्लस तीन बटा दो, तो लसत आगे अपने पास दो, किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत नहीं है, तीन प्लस तीन यह आ गया छह, छह में दो का भाग दिया यह आ गया अपने पास तीन, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया अपने पास तीन, तो राइट हैंड साइड अपने पास कितने आने चाहिए तीन आने चाहिए, तो ये आपकी है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू सेक स्क्वायर साठ माइनस कोसेक स्क्वायर नाइनटी, कोसेक नाइनटी का मान होता है एक, सेक साठ, सेक साठ, सेक साठ का मान होता है कोस साठ का मान होता है एक बटा दो, तो सेक साठ का मान हो गया अपने पास दो, ये मान इसके अंदर रख दो, कोसेक नाइनटी का मान होता है वन, सेक साठ का मान होता है दो, ये मान इसके अंदर रखो टू, सेक साठ का मान दो का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक का स्क्वायर, ये आप इधर देखो सेक स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा सेक स्क्वायर साठ, कोसेक स्क्वायर नाइनटी का मान तो आ गया वन, ठीक है, और ये अपने पास टू सेक स्क्वायर साठ है, एक एक बार देखना सेक स्क्वायर साठ है कितना है, यस सेक स्क्वायर साठ है, ये बड़ा सेक स्क्वायर साठ, सेक स्क्वायर साठ ये जो है ये गलत है, इसलिए सेक स्क्वायर पैतालीस है, यहां पर यहां करो पैतालीस, कितना पैतालीस, ये आपकी किताब में गड़बड़ है, तो ये आपके सेक पैतालीस आ जाएगा, ये तो ये पैतालीस हो जाएगा, यहां पर सेक पैतालीस का मान, सेक पैतालीस का मान होता है अंडर रूट दो, अंडर रूट दो ध्यान रखना, क्योंकि ये पर्सन में गलत आया हुआ है, इसलिए ये अंडर रूट का वर्ग किया अंडर रूट हट गया माइनस एक, दो दूनी चार, चार में से एक गया ये आ गया तीन, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड बराबर आ गया तीन, सिद्ध हो गया। प्रश्न
पढ़ते समय ध्यान रखना, ये 4 साइन 3 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 को 60 टेन 45 बराबर सेक स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 90 आपके ये लेफ्ट हैंड साइड है। 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 को 60 टेन 45 साइन 30 का मान 1 बटा 2 साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 कोस 60 का मान 1 बटा 2 टेन 45 का मान 1 इसके अंदर रख दिया मैंने। 4 की जगह 4 साइन 30 का मान 1 बटा 2 साइन 60 का मान रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कोस 60 का मान एक बटा दो टेन पैंतालीस समान एक अंडर रूट ये दो का भाग किया दो अंडर रूट का वर्ग किया अंडर रूट किया दो का वर्ग आ गया चार तीन को एक से गुणा किया एक तीन और ये दो दस बाकी दो तीन और तीन हो गए छह छह में दो का भाग दिया तीन लेफ्ट हैंड साइड आ गई तीन राइट हैंड साइड सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 है। किताब में प्रश्न गलत है। 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 कोसेक 90 का मान एक होता है सेक 45 का मान रूट दो होता है तो दूसरा प्रश्न नंबर 3 tan 3x sin 45 cos 45 प्लस sin 30 sin 30 ये मान आना चाहिए और x का मान ज्ञात करो x का मान ज्ञात करो ठीक और एक और ले लेते हैं अपन ये ले लेते हैं पर्सन साइन ए प्लस बी बराबर एक कॉस ए माइनस बी बराबर रूट तीन बटा दो ये पर्सन है जिसका रेशा दिए जीरो से ए प्लस बी बड़ा और ए प्लस बी से 90 बड़ा और a बड़ा है b से तो a और b के मान ज्ञात करो। ये प्रश्न देखो बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका नाम प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है tan 3x sin 45 cos 45 sin 30 ऐसा मान ज्ञात करो अच्छा प्रश्न है तो आपके पास इनके मान आने चाहिए तो ये इसका हल हो जाएगा tan 3x बराबर साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30 ठीक है ना ध्यान लगा के देखना साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 cos 45 का मान 1 बटा रूट 2 और साइन 30 का मान 1 बटा 2 इसके अंदर रखो आप tan 3x साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 कोस 45 का मान 1 बटा रूट 2 साइन 30 का मान 1 बटा 2 tan 3x 1 को 1 से गुणा किया 1 अंडर रूट को अंडर रूट से गुणा किया अंडर रूट हट गया तो अंडर रूट हट गया तो ये आ गया 2 प्लस 1 बटा 2 tan 3x प्लस सब आगे 2 1 प्लस 1 2 2 में 2 का भाग गया 1 tan 3x बराबर 1 आया tan 3x बराबर 1 आया ये अपन देखेंगे sin sin के अंदर tan 1 किसका मान आता है वही 3x के बराबर मान होगा। देखो आप tan 45 का मान आता है 1 tan 45 का मान कितना होता है 1 आता है तो tan 45 का मान 1 है तो tan 3x बराबर 45 आ जाएगा आपके tan 45 बराबर आ गया ये tan 3x ही तो होगा ये यूं लिखो चाहे यूं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप इसको चाहो तो ये tan 3x तो 3x बराबर आ गया अपने पास 45 कितना आ गया 3x बराबर 45 मुझे चाहिए x का मान 45 बटा 3 इसका भाग दिया 15 कितना आ गया 15 x का मान आ गया अपने पास 15 डिग्री कितना आ गया 15 डिग्री x का मान आ गया वापस
इस सवाल में साइन टेन थ्री एक्स बराबर साइन पैतालीस कोस पैतालीस प्लस साइन तीस, टेन थ्री एक्स बराबर साइन पैतालीस कोस पैतालीस प्लस साइन तीस, साइन पैतालीस का मान साइन एक बटा रूट दो, कोस पैतालीस का मान एक बटा रूट दो, साइन तीस का मान एक बटा दो, टेन थ्री एक्स बराबर समान रखिए अपने एक बटा रूट दो, एक बटा रूट दो प्लस तीन, एक इंटू एक एक अंडर रूट रख दिया एक बटा दो प्लस फाइव दो, एक और एक हो गया दो, दो में दो का भाग गया एक, टेन थ्री एक्स बराबर आया वन, टेन पैतालीस का मान होता है वन, टेन पैतालीस बराबर टेन थ्री एक्स हो गया, तो थ्री एक्स बराबर कितना हुआ पैतालीस, एक्स का मान कितना है पंद्रह डिग्री, कितना आ गया अपने पास पंद्रह डिग्री। ठीक, ये सवाल बहुत ही बढ़िया अच्छा सवाल है, बोर्ड में आ चुका है, तो आप इसको देखो, इस साइज पर डालकर जीरो से ए प्लस बी बड़ा है, ए प्लस बी से नाइनटी बड़ा है, बराबर है ए बी से बड़ा है, ए और बी के मान ज्ञात करो, अभी करते हैं अपन, देखो सर साइन ए प्लस बी बराबर एक, कॉस ए माइनस बी बराबर रूट तीन बटा दो। साइन देखो आप, साइन में साइन वन किसका मान आता है, इधर देखो साइन में वन आता है मान साइन नब्बे डिग्री, साइन नब्बे डिग्री बराबर वन, साइन देखो आप कोस ए माइनस बराबर रूट तीन बटा दो है, तो रूट तीन बटा दो कोस किसका मान आता है, कोस मान आता है तीस का, कोस तीस डिग्री, तो इसका मतलब ये साइन और ये साइन बराबर है, तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा नाइनटी, ए प्लस बी बराबर आ गया आपके पास नाइनटी डिग्री, ये कोस है और ये भी कोस है, तो ये तीस का मान ए माइनस बी है, तभी तो रूट तीन बटा दो है आसानी से, तो ए माइनस बी इस जगह है 30 डिग्री, ये इक्वेशन एक और ये दो, दोनों को आप क्या करोगे जोड़ दो, इक्वेशन एक प्लस दो जोड़ दो, आपने जोड़ दिया ये ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी और नब्बे और 30, ये 90 प्लस 30 बी से बी कट गया 2a, 2a बराबर आ गया 120 डिग्री, a का मान 120 में 2 का भाग हुआ 60 डिग्री, a का मान आ गया 60 डिग्री, इक्वेशन एक में ए बराबर 60 डिग्री रखने पर एक जगह 60 रख देंगे, 60 बी बराबर आ गया 90, बी 90 60 का पक्षांतर कर दिया माइनस 60, बी का मान आ गया मेरे पास 30 डिग्री, बी का मान मेरे पास आ गया 30 डिग्री, तो ये आपके पास आंसर आ गया, देखो आप ए का मान ये आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ए का मान आ गया मेरे पास 60 डिग्री और बी का मान आ गया 30 डिग्री, सिद्ध करना तो सिद्ध भी कर सकते हो, उत्तर सही है या गलत देखो, ए की जगह 60 बी की जगह 30 90, 90 का मान गलत होता है, ये आप सिद्ध कर सकते हो, ए का मान 60 बी का मान 30, 60 में से 30 गया 30 को 30 समान रूट तीन बटा दो होता है, ये आपका प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी चीज में हेड करने की भी जरूरत नहीं, अभी सवाल और करते हैं, ये ले लिया प्रश्न आपका, कॉस एक्स बराबर कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, तो एक्स का मान याद करो, एक्स का मान याद करना अपने पास, देखो कॉस 60 का मान डायरेक्ट हल कर सकते हो आप, कॉस एक्स कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 साइन इसके मान लिखो आप, कॉस 60 कॉस 60 का मान होता है एक बटा दो, कॉस 30 का मान होता है रूट तीन बटा दो, साइन 60 का मान होता है अपने पास रूट तीन बटा दो, साइन 30 का मान होता है अपने पास एक बटा
माइनस के अंदर रखो आप कॉस एक्स, कॉस साठ का मान एक बटा दो, कॉस तीस का मान रूट तीन बटा दो, प्लस साइन साठ का मान रूट तीन बटा दो, साइन तीस का मान एक बटा दो, कॉस एक्स रूट तीन को एक से गुणा किया रूट तीन, रूट को दो से गुणा किया हमें आ गया चार, रूट थ्री दो को दो से गुणा किया चार, ये आपके कॉस एक्स लस्सा बाई चार, लस्सा बाई चार अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री, ये आपके आ गया कॉस एक्स, कॉस एक्स बराबर आ गया टू रूट थ्री अपॉन कॉस टू से कट गया टू, तो ये कॉस एक्स का मान आ गया रूट थ्री बटा टू, साइन में रूट थ्री बटा टू आता है अपने पास, ये बड़ा देखो कॉस साठ जो होता है वो साइन, ये साइन साठ का मान है तो कॉस तीस का हो गया, कॉस तीस का मान है रूट थ्री बटा दो, तो कॉस एक्स बराबर आ गया अपने पास कॉस तीस डिग्री, एक्स का मान आ गया अपने पास तीस डिग्री, एक्स का मान आ गया अपने पास तीस डिग्री, कितना आ गया एक्स का मान 30 डिग्री आपके पास आ गया है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न करेंगे अपन। यदि x बराबर 30 डिग्री है कितना 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, पहला सवाल ये साइन थ्री एक्स बराबर थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स, ये उधर को आप सिद्ध कर देंगे, इसमें सिद्ध करो ये बराबर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे साइन थ्री एक्स, एक्स की जगह कितना हमारे पास तीस डिग्री, तो ये हो गया साइन तीन टू तीस डिग्री बराबर हो गया साइन नाइन्टी डिग्री, साइन नाइन्टी का मान होता एक, कितना मान होता एक, यहां लिख देंगे अपन एक, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का मान, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर आपके पास थ्री साइन एक्स माइनस और साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह कितना मान है तीस, थ्री साइन तीस डिग्री माइनस फोर साइन स्क्वायर तीस डिग्री, ये आ गया थ्री, साइन तीस का मान अपने पास कितना होता है साइन तीस का मान एक बटा दो, ये आप चौथे तो लिख सकते हो साइन तीस का मान एक बटा दो, और ये आ गया थ्री एक बटा दो माइनस फोर एक बटा दो का होल स्क्वायर, यह आ गया तीन बटा दो माइनस चार एक का वर्ग एक दो का वर्ग हो गया चार, चार से चार कट गया, यह आ गया तीन बटा दो माइनस एक लस्सा भाग गया अपने पास दो, तीन माइनस दो बराबर आ गया एक बटा, यह आ गया अपने पास एक बटा दो, तीन में से एक बट गुना साइन तीस का मान स्क्वायर है तो एक ये तीन एक बटा दो तीन बटा दो आ गया माइनस चार, ये एक दो का वर्ग गया चार स्क्वायर चार गया एक प्लस का भाई दो दो, या ये तो यार दो हुआ ना आपके पास साइन तीस का मान, यहाँ थोड़ा चेक करो पर्सन सही है गलत है, थ्री साइन एक्स तीस तीन बटा दो माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स, सारे पर्सन गलत लिख रहा है, साइन क्यूब है सॉरी यहाँ साइन क्यूब है, साइन क्यूब है तो ये साइन क्यूब हो जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा दो का क्यूब, तो दो का क्यूब ये अपने पास यहाँ पड़ेगा दो चार इंटू एक, दो का क्यूब है अपने पास आठ है आठ, ये चार का भाग गया दो बार, कितने भाग गया दो बार, तो ये आ गया एक बटा दो लस्सा भाग गया अपने पास दो, तीन माइनस एक दो सही दो 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 का भाग गया एक, ये आया एक राइट हैंड साइड बराबर एक आ गया, तो यहां आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर
राइट हैंड साइड बराबर ए। वापस इस सवाल को समझो, इस प्रश्न में मिस्टेक है कहीं, आप किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, x बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करो साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x है, तो साइन 3x x मान 30 डिग्री, साइन 3 इंटू 3 90 हो गया, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन या क्यूब है, या क्यूब है, साइन 30 का मान 1 बटा 2 माइनस 4, 1 बटा 2 का क्यूब 3 बटा 2 4, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 4 का भाग गया 2 बार 1 बटा 2 प्लस 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का भाग गया 3 में से 1 गया 2, 2 में 2 का भाग गया 1, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, ये आपका आंसर आ गया है। किसी चीज की कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अब अपन अच्छा प्रश्न लेते हैं एक बार।